अनिल जी, स्टॉक का नाम है गोकुलदास एक्सपोर्ट टेक्सटाइल स्पेस की कंपनी, अपैरल्स बनाती है, 50 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट है और कंपनी के ग्लोबल ब्रांड्स की सूची अगर आप देखें तो बहुत लंबी है। रीबॉक, प्यूमा, एडिडास, वेरोमोडा, तमाम ऐसे दिग्गज जो ग्लोबल ब्रांड्स है कंपनी के ग्राहक सूची में शामिल है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो कंपनी की यूएस से करीब 51% आय आती है। अब सीधा इस पर आते कि स्टॉक आगे आने वाले समय में आपको बेहतरीन रिटर्न क्यों देगा। देखिए 2017 में कंपनी में एक अहम डेवलपमेंट हुआ था, कंपनी में एक नए एमडी की नियुक्ति हुई थी। उसके बाद अगर आप देखें तो कंपनी की जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है उसमें काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला है। इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो नेगेटिव ग्रोथ इन सालों में देखने को मिली है, लेकिन इस गोकुलदास एक्सपोर्ट इस कंपनी की अगर आप ग्रोथ देखें तो आय में आपको लगातार ग्रोथ देखने को मिली। पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो 17% का आय ग्रोथ देखने को मिला है। जो नए एमडी नियुक्त है मिस्टर गणपति, इनके बाद जो है कंपनी की जो ग्राहक सूची है वो और भी बढ़िया मजबूत होती हुई नजर आई और ऑपरेशनल एफिशिएंसी का जो फायदा है आपको फाइनेंशियल्स में भी साफ नजर आएगा। 3 साल में अगर आप देखें तो कंपनी ने अपने नेट कैश फ्लोज को भी काफी ज्यादा इंप्रूव किया। इससे पहले जो है कंपनी के जो नेट कैश फ्लोज थे वो नेगेटिव थे, अब जो है FY20 में फिलहाल अगर आप देखें तो कैश फ्लोज भी जो है वो पॉजिटिव होते हुए नजर आए हैं और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इस बात से भी पता चलेगी कि डेटर डेज जो है करीब 55 दिन के आसपास थे, अब वो घटकर केवल 38 दिन हो गए हैं। यानी यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो एफिशिएंसी है वो कंपनी की साफ नजर आ रही है। देखिए कंपनी के फंडामेंटल्स बेहतर है, कंपनी का कारोबार काफी बढ़िया और सरकार का भी इस पर काफी फोकस है। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, अपैरल्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार PLI स्कीम्स का भी ऐलान कर रही है, कंपनी PPE किट भी बना रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो कंपनी के वैल्यूएशन बहुत ज्यादा सपोर्टिव नजर आते हैं, क्योंकि कंपनी का फिलहाल जो साइज है वो बहुत छोटा है। कंपनी का मार्केट कैप केवल 318 करोड़ का है और इतनी बेहतरीन फंडामेंटल्स वाली कंपनी आपको केवल जो है 0.25 मार्केट कैप टू सेल्स के रेशियो पर मिल रही है। और पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो कंपनी का जो मुनाफा है वो 25% CAGR की दर से लगातार बढ़ता गया है। ऐसे में अगर सिर्फ ये ग्रोथ भी मेंटेन रहा तो स्टॉक आगे आने वाले समय में मल्टीबैगर साबित हो सकता है। बढ़िया स्टॉक चुनकर लाए हैं आशीष। अनिल जी, किस तरह से देखना चाहिए गोकुलदास एक्सपोर्ट्स? और टेक्सटाइल्स में भी थोड़ा फोकस वापस मार्केट का बन रहा है, आपकी इस कंपनी पर क्या सलाह है सर? डेफिनेटली दीप, और पिछले 2-3 हफ्तों से तमाम टेक्सटाइल स्टॉक फिर से एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा ट्रिगर जो है वो आपको फ्यूचर पर मैनेजमेंट पर कॉल लेना है, और मैनेजमेंट पर कॉल लेना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जो चेंज ऑफ मैनेजमेंट 2 हुए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हुए। पहले तो देखिए, जो ब्लैकस्टोन ने यहाँ पर खरीदी थी 2007 में, आप सरप्राइज करेंगे, 2007 में ब्लैकस्टोन ने 275 रुपये में स्टेक खरीदी थी, 50% स्टेक खरीदी थी, और तब 20% का ओपन ऑफर लाना होता था तो 20% का ओपन ऑफर भी लेकर आए। लेकिन उसके बाद 2017 में क्या हुआ, ब्लैकस्टोन के एक बड़े सीनियर ऑफिशियल ने ब्लैकस्टोन छोड़कर इस कंपनी को चलाने का फैसला लिया है। पूरी तरह से प्रोफेशनल मैनेजमेंट हुआ, उन्होंने 63.25 रुपये में 75% स्टेक खरीदिए। तो 2017 में ये हुआ है, तो 2017 से कंप्लीटली मैनेजमेंट ब्लैकस्टोन से एक और प्रोफेशनल मैनेजमेंट के पास आ गया, वो है शिवा गणपति, और वो कंपनी को टर्न अराउंड करने में कामयाब रहे। तो ये दूसरा बड़ा कारण है, उनके आने के बाद फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी सुधरती दिख रही है। अभी भी कंपनी 11 रुपये की कैश EPS कर रही है। मार्च 2020 का क्वार्टर देखिए, वहां पर 7 रुपये की EPS है और 20 रुपये के आसपास की कैश EPS है। जो लोन है कंपनी के पास वो सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लोन है, लॉन्ग टर्म डेट बिल्कुल भी नहीं है। और तीसरा एक और बड़ा कारण यह भी है कि लगातार कंपनी अपने डेट रिडक्शन करते जा रही है। तो टेक्सटाइल कंपनियों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि डेट अगर ज्यादा है तो दिक्कत है, तो डेट रिडक्शन जो होता दिख रहा है वो भी कंपनी के लिए अच्छा है। सबसे बढ़िया बात एक और जो है वो ये है कि आकर्षक वैल्यूएशन पर यह कंपनी अभी कारोबार कर रही है। आप देखिए 325 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ही छोटा है, 4.25 के प्राइस मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। EV वर्सेस EBITDA आप देखें तो सिर्फ 5 टाइम है, और प्राइस टू बुक वैल्यू से 2/3 पर ही, यानी कि 0.65% बुक वैल्यू के 65% पर ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि बुक वैल्यू से भी काफी नीचे। तो ये तमाम वो ट्रिगर्स हैं जो एक मजबूत बैलेंस शीट और अच्छे मैनेजमेंट की तरफ इशारा करते हैं। और अगर टेक्सटाइल सेक्टर में तेजी बनी है और बन रही है और जो बनती अगर आगे बनती रहेगी तो ये एक स्टॉक है जो अगले कुछ सालों में बेहद इंटरेस्टिंग हो सकता है। बहुत अच्छी पोजिशनिंग है इस स्टॉक की, अगर इस सेक्टर में रिवाइवल आता है तो ये कंपनी तैयार है आगे उसका फायदा उठाने के लिए।